हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग कौन कौन सी चीजें हमें पढ़ना है। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना। सबसे पहले हमें जो देखना है कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस चीज का हमें कॉन्सेप्ट देखना है। ठीक है, फिर हमारे पास है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो भी लीनियर इक्वेशन जो हमने चैप्टर 3 में भी हमने पढ़ रखा है, बस सेम चीज वही लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है वो चीज को देखना है। वो आप चैप्टर 3 में भी रिवाइज कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, सेम चीज है। डिस्टेंस फॉर्मूला, कैसे हम दो गिवन कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, है ना। कोई भी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और वो दोनों पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करेगा वो लाइन का डिस्टेंस क्या होगा, आप कह सकते हैं वो डिस्टेंस ही है, दो पॉइंट के बीच का जो दूरी है उसे आप फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे उस चीज के बारे में देखेंगे। फिर सेक्शन फॉर्मूला और इंटरनल डिविजन। सेक्शन फॉर्मूला दो तरह का होता है, इंटरनल डिविजन और एक एक्सटर्नल डिविजन। तो हम इस चीज में इंटरनल डिविजन देखेंगे, मतलब किसी भी लाइन को इंटरनली कैसे रेशियो में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ये सब सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। आइए बढ़ते हैं। सबसे पहला है कार्टेशियन प्लेन, इसे हम कोऑर्डिनेट प्लेन के भी नाम से जानते हैं और इसे हम एक्स वाई एक्सिस का प्लेन भी कहते हैं। नॉर्मली हम एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं। तो जैसा कि आप ये सब चीज पढ़ चुके हो पहले, ये हमारा ओरिजिन होता है। राइट साइड बढ़ने पे हमें क्या मिलता है भाई, ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और ये इधर जो है मतलब ये कंप्लीट एक्स एक्सिस ही है, लेकिन इधर हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव नंबर्स को लेते हैं। इधर मैंने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, इस तरह से। इधर हमारे ऊपर की ओर क्या होता है भाई, ऊपर की ओर वाई हो गया, नीचे हमारा वाई डैश हो गया। ये कंप्लीट हमारा वाई वो वाई डैश हो गया, या फिर इसे आप वाई एक्सिस कह सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर पॉजिटिव नंबर्स हो जाएंगे, ये ऊपर की ओर पॉजिटिव नंबर्स हो जाएंगे। नीचे की ओर क्या होगा भाई, नेगेटिव नंबर हो जाएगा और लेफ्ट में भी नेगेटिव नंबर हो जाएगा। याद रखना बहुत ही आसान है इसको। कैसे याद रखोगे, तो भैया हर चीज जो सही होता है वो पॉजिटिव होता है। राइट राइट साइड राइट होना, राइट दाया हाथ हमेशा सही प्रतीक माना जाता है, पॉजिटिव हो गया। ऊपर की ओर ऊपर बढ़ता, कोई भी आदमी ऊपर बढ़ेगा भाई पॉजिटिव पॉजिटिविटी, पॉजिटिव ऊपर जाएगा तो पॉजिटिविटी मतलब पॉजिटिव नंबर रहेंगे। लेफ्ट बाएं चलना, लेफ्ट क्या होता है भाई, लेफ्ट को क्या माना जाता है, नेगेटिव नेगेटिव हो गया। नीचे जाना, किसी भी चीज में नीचे की ओर जाना नेगेटिव है। तो आपको याद रखने में कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट साइड आप जाओगे पॉजिटिव, ऊपर जाओगे पॉजिटिव, नीचे जाओगे डाउन हो गए नेगेटिव, और बाएं जाओगे तो भी ये नेगेटिव। ठीक है, ये चीज हो गई। और बीचों बीच यहाँ पे जो है ओरिजिन, इसे हम जीरो, इसे हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं ओरिजिन, और यहाँ का कोऑर्डिनेट जो होता है वो जीरो जीरो होता है, मतलब एक्स एक्सिस का भी जीरो और वाई एक्सिस का भी जीरो। अब ध्यान से समझिए क्या होता है, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, सपोज कि मैंने कोई पॉइंट ले लिया पी, इस पॉइंट पी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मान लिया कि दो कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई, तो पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा क्या होता है वाई का होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने दिखाया यहाँ पे मान लो 2 3, ये किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये 2 3 किसी भी पॉइंट को जो रिप्रेजेंट करेगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस का, ये जो पहला नंबर आया वो एक्स एक्सिस का नंबर है और ये 3 जो आया ये वाई एक्सिस का नंबर है। तो यहाँ से 2 3 को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो कहाँ होगा, तो एक्स एक्सिस का 2 ये रहा और वाई एक्सिस का 3 तो ये रहा। तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे ऐसे, है ना, यहाँ पे मैं लाइन खींचूंगा ऐसे और यहाँ से एक लाइन खींचूंगा ऐसे, तो जहां पे ये पॉइंट ये लाइन दोनों इंटरसेक्ट करेगा वो कोऑर्डिनेट हमारा होता है 2 3। ठीक, इसी प्रकार से तो अभी तक आपको क्या पता चला, ये हमने यहाँ पता कर लिया कि जो हमारा पहला पॉइंट होता है वो एक्स एक्सिस का होता है और दूसरा जो होता है वो वाई एक्सिस का होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का होता है तो क्या कहते हैं, इसका कुछ नाम होगा, ऑब्वियसली इसका कुछ नाम है, मैं लिख देता हूँ। ऐसे पॉइंट जो एक्स एक्सिस के प्लेस पे आता है उसे हम अब सीसा के नाम से जानते हैं, ए बी एस सी आई एस एस ए, अब सीसा। और जो वाई के प्लेस पे आता है उसे हम ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है, ओ आर डी आई एन ए टी ई, ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। और ये दोनों को मिला करके हमारे पास जो नाम होता है, ये दोनों को मिला करके हम कहते हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। ये दोनों पॉइंट का अगर आप अब्सिसा और ऑर्डिनेट ना कह पाओ तो आप इसे कोऑर्डिनेट कह दो, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो दोनों मिल करके बनाते हैं कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। इंडिविजुअली इसको भी हम कह सकते हैं, इसका नाम ले लीजिए आप एक्स कोऑर्डिनेट, इसको कह दीजिए वाई कोऑर्डिनेट, दोनों को मिलाकर कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, अगर एक्स का आप इंडिविजुअली बोलना चाहें तो उसे आप अब्सिसा कहेंगे और वाई को अगर इंडिविजुअली कहना चाहेंगे तो उसे आप कोऑर्डिनेट कहेंगे। ठीक है, आइए और जानते हैं। ये जो हमारा ये देख रहे हो, ये हमारे दो लाइंस जो एक दूसरे को पार्ट में बांट रहा है, वो चार भागों में बांट रहा है, तो इस भाग से हम शुरू करते हैं, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमेशा आप यहाँ से नहीं शुरू कर सकते, यूनिवर्सली लोग माने हैं इसको कि आपको यहाँ से शुरू करना है तो आपको भी यहीं से करना है।
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ किसी बात का कोई विवाद नहीं है कि आप राइट क्यों नहीं चले, लेफ्ट क्यों चले, क्योंकि सब चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब हम अपने सुविधा अनुसार चलने लगेंगे तो फिर दिक्कत होगी, जो जैसा सबको मान के चले वैसा हम लोग मान रहे हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी चीजें आएंगी, जो भी वैल्यू आएगा एक्स और वाई किसी भी पॉइंट को अगर आप रिप्रेजेंट करोगे, मैंने कहा पहला एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाई का कोऑर्डिनेट होता है। तो एक्स एक्सिस का क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, वाई एक्सिस का क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो आपके पास हमेशा जो भी नंबर यहाँ पे आएगा वो प्लस प्लस का साइन रहेगा, कहने मतलब एक्स एक्सिस का भी प्लस में नंबर आएगा, वाई एक्सिस का भी प्लस में नंबर आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट देखिए, मैंने कहा पहले x का कोऑर्डिनेट होता है, बाद में y का कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पे x एक्सिस क्या है, नेगेटिव है, और y क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आपका x का नेगेटिव आएगा और y का पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये चीज आ गई। अब यहाँ देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा भाई, तो x यहाँ पे पॉजिटिव है आपका, x का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और y क्या है, y नेगेटिव है। देखो नेगेटिव है ना, पहला पॉइंट x का आता है, दूसरा y नेगेटिव आता है, तो हमारे पास हो गया x का पॉजिटिव y का नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। ये कोई प्लस साइन नहीं है, साइन के साथ आपका नंबर आएगा, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। आप किसी भी नंबर में इस तरह का साइन रिलेट कर सकते हो, आप आसानी से बता पाओगे कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये चीज था हमारा कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन बनाना है, ये चीज बेसिक नॉलेज था या पहले भी पढ़े हैं, इतना आपको आना चाहिए। आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट्स ऑन अ कार्टेशियन प्लेन, सेम चीज है, हमने डिस्कस कर ली है ना। मान लो ये कार्टेशियन प्लेन है, क्या है भाई, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, वही चीज लिखा हुआ है, पेयर ऑफ नंबर लॉकेट्स पॉइंट ऑन अ प्लेन कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स, है ना, जो भी पॉइंट्स था हमारा उसे कोऑर्डिनेट कहते हैं। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज नोन एज एक्स कोऑर्डिनेट। देखो एक्स कोऑर्डिनेट ये था ना, ये एक्स जो यहाँ पर है हमारे पास, ये क्या था, यहाँ से मैंने जो लिया है एक्स का वैल्यू, यहाँ से गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स होता है। तो यहाँ ये जो एक्स है, अब यहाँ से आपको पूछ देगा, जैसे आपसे दो केसेस है, देखो अगर आपसे पूछ देगा अब्सिसा क्या है, ध्यान से समझिएगा, अब्सिसा आपका हो जाएगा एक्स। आप पूछ देगा कि ये अब्सिसा है, डिस्टेंस कहाँ से है, तो देखो डिस्टेंस ये एक्स का ही, एक्स का कोऑर्डिनेट है, लेकिन डिस्टेंस ये वाई एक्सिस से है। देखो इसकी दूरी वाई एक्सिस से है, यहाँ से यहाँ दूरी कितना था, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से जो दूरी होता है वही एक्स कोऑर्डिनेट होता है, उसको हम अब्सिसा कहते हैं। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से जो दूरी होगी वो वाई होगा, वाई जो आया हुआ है कहां से आया, यहां से आया, ये डिस्टेंस कहां से है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है ना, और वाई कोऑर्डिनेट है, तो वाई के प्लेस पे जो भी नंबर आता है वो हमारा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है और उसे हम ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स और वाई आया हुआ है, तो एक्स हो गया अब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या हो गया, तो ऑर्डिनेट हो गया वाई, ऑर्डिनेट हो गया वाई। अब देखिए क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ऐसे पूछतेगा कि एब्सिसा कहां से डिस्टेंस होता है, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है, ऑर्डिनेट कहां से डिस्टेंस होता है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि एक्स एक्सिस पे जो एक्स का कोऑर्डिनेट जो होता है उसे क्या कहते हैं, तब उसे एब्सिसा कहते हैं, और जो वाई कोऑर्डिनेट पे पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं, उसे ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखें। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, चलिए एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल है, चलो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल कहने का मतलब यह है, चलिए आप तुरंत बताएंगे, टू थ्री, टू थ्री तो क्या है, टू थ्री में एब्सिसा क्या है, एब्सिसा हो गया क्या दो, ऑर्डिनेट क्या हो गया, ऑर्डिनेट थ्री हो गया। ऐसे क्वेश्चन आसानी से बता सकते हैं, पहला हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसे एब्सिसा कहते हैं, और दूसरा हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है जिसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं, है ना, ऐसा हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर चुका है। अब चलो देखो एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल इस तरह से लेते हैं, कार्टेशियन प्लेन से रिलेटेड लेते हैं। बताइए माइनस टू थ्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये सोचिए, तब तक मन में सोचिए। आप यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, तब तक आप मन में सोचिए कि क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, मैंने जीरो थ्री ले लिया, मैंने थ्री जीरो ले लिया, और मैं एक और ले लेता हूँ, जीरो जीरो ले लेता हूँ, चलो एक मैंने जीरो जीरो ले लिया। अगर इतना कोऑर्डिनेट अगर आप बता दिए तो आप समझिए कार्टेशियन प्लेन आपको समझ में आ गया। ठीक है, पहला मैंने लिया है माइनस टू थ्री, कौन से प्लेन में लाई करेगा ये माइनस टू थ्री, मैंने क्या बोला था, हमारे पास इस तरह से होता है कार्टेशियन प्लेन, यहाँ पे इधर हमारे पास ये जो डायरेक्शन चलता है राइट की ओर प्लस चलेगा, है ना, ये सब यहाँ प्लस चलेगा, ऊपर की ओर प्लस चलेगा, ये हमारा प्लस है, ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस है, और ये हमारा माइनस है। और वैसे भी डायरेक्ट अगर आप याद किए होंगे तो मैंने लिखवाया था इसका प्लस प्लस होता है, है ना, इसका क्या होता है भाई, इसका होता है माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस होता है, और ये हमारा क्या होता है, तो माइनस माइनस होता है, और इधर हमारा क्या होता है, प्लस माइनस होता है ना, कैसे आसान आप रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए माइनस टू थ्री,
तो पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस कहाँ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये क्या हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, ये चला जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। आपका फिर क्या है भाई, तो माइनस टू माइनस थ्री, माइनस और माइनस कहाँ है, तो थर्ड क्वाड्रेंट, ये चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 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 से अगर आपको दिक्कत हो रही हो, क्वाड्रेंट क्या है भाई, तो क्वाड्रेंट देखो क्या है, क्वाड्रेंट है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश, मतलब चार भागों में से एक भाग, जो दोनों लाइन था हमारा चार भागों में डिवाइड किया था जिसमें से एक भाग है हमारा, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थ्री थ्री दोनों प्लस प्लस है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। इसके बाद जीरो थ्री, अब यहाँ पे सवाल आता है जीरो थ्री, जीरो थ्री कहाँ लाई करेगा भाई, जीरो थ्री कहाँ लाई करेगा, जीरो थ्री कोई यहाँ प्लस प्लस मत कंसिडर कर लेना इसको, जीरो थ्री, जीरो थ्री देखो पहला पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस का है, दूसरा वाई एक्सिस का है, ठीक है, यहाँ पे वन टू थ्री एक्स का है, ये वन टू थ्री ये वाई का है, तो एक्स में जीरो है, जीरो कहाँ लाई करता है, ओरिजिन पे रहता है, और थ्री कहाँ गया, यहाँ पे गया, कहाँ पे वाई एक्सिस पे थ्री, तो जीरो थ्री यहाँ पे है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जीरो थ्री यहाँ पर आएगा, कोई क्वाड्रेंट में नहीं लाई कर रहा है, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो आप लिखोगे इसको y एक्सिस, ये क्वाड्रेंट में नहीं है, ये कहाँ है y एक्सिस पे लाई कर रहा है, कोई क्वाड्रेंट में नहीं लाई कर रहा, थ्री जीरो x का थ्री y का जीरो, x का थ्री यहाँ पे रह गया और y का जीरो यहीं पे रहेगा, ये हमारा थ्री जीरो है, ये वाला पॉइंट थ्री जीरो है, थ्री जीरो क्या है ये कहाँ पे लाई करेगा, तो ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका कोई क्वाड्रेंट नहीं है, ठीक है, तो आप दिमाग में बैठा लीजिए, अगर आपका पहला कोऑर्डिनेट जीरो है, दूसरा अगर कोऑर्डिनेट है तो वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा, और पहला कोऑर्डिनेट अगर कोई वैल्यू है और दूसरा कोऑर्डिनेट जीरो है तो वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, क्यों, तो यहाँ पे x का वैल्यू जीरो है, यहाँ y है तो मतलब y कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे x का वैल्यू है और y जीरो है तो मतलब x का कोऑर्डिनेट है, जिसका वैल्यू रहेगा वही कोऑर्डिनेट रहेगा, ठीक है, बाकी दूसरा जीरो है, तो ये कोई क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करेगा, ये एक्सिस पे लाई करेगा। एक सवाल और, ओरिजिन, अब ये जीरो जीरो कहाँ लाई कर रहा है, ये देखो जीरो जीरो यहाँ पे एक है, दोनों लाइन में कॉमन है क्या, दोनों लाइन में कॉमन है, ये एक्स एक्सिस पे भी लाई कर रहा है और ये वाई एक्सिस पे भी लाई कर रहा है, ये दोनों एक्सिस पे लाई करता है कौन, ओरिजिन, कोई क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, x एक्सिस में लाई कर रहा है और y एक्सिस में लाई कर रहा है, इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस आप पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 में, फिर भी देख लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेता हूं, x माइनस y इज इक्वल टू 3, ठीक है, मैं इसको ग्राफ बनाना चाहता हूं, बनाइए, मैंने क्या कहा था, इसको ग्राफ बनाने के लिए आपके पास उपाय है कि या तो x बराबर फाइंड कर लीजिए या y बराबर फाइंड कर लीजिए, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, क्या 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 कर लूँ, y बराबर कर लूँ, x बराबर कर लूँ, चलो x बराबर कर लेता हूँ, क्या आ गया 3 प्लस y, अब यहाँ पे एक तरफ से वैल्यू डालिए, दूसरा तरफ वैल्यू निकलेगा, है ना, एट रेंडमली वैल्यू में डालना है, एक्स बराबर डालिए या वाई बराबर डालिए, चलो मैं वाई बराबर जीरो रख देता हूँ, वाई बराबर जीरो तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा, और वाई बराबर अगर वन रख दूँ, वन रख दूँ, चलो वन रख, माइनस वन रख देते हैं, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा आपके पास टू, आप एट रेंडम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन छोटा वैल्यू रखिए ताकि ग्राफ में दिखाना आसान हो, डेसिमल ना रखेंगे हम लोग, ऐसा वैल्यू रखेंगे जो बहुत ही अच्छा सुंदर सा वैल्यू आएगा, प्लॉट करने में आसान होगा, ठीक है, वाई बराबर रख लिया, आप चाहे तो और भी कुछ रख सकते हैं, रखिए क्या रख दें, वन रख देता हूँ, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा फोर आ जाएगा, इससे हम एक टेबल बना लेंगे कौन सा वैल्यू कहाँ पे आया, ठीक है, इससे हम एक टेबल बना लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे ये हमारे पास एक्स और वाई, तो एक्स क्या आया, एक्स तीन आया कब, जब वाई जीरो था, एक्स हमारा टू आया कब, जब वाई माइनस वन था, एक्स हमारा फोर आया कब, जब वाई बराबर वन रखा था, इसके बेसिस पे हमें ग्राफ बना लेना है, तो क्या इशू है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बना लेते हैं ग्राफ, ठीक है, यहाँ पे मैं ग्राफ बना लेता हूँ, चलिए इस तरह से मैंने कार्टेशियन प्लेन ले लिया है ना, अब आप देखिए यहाँ ओरिजिन हो गया, अब इक्वल डिस्टेंस पे ये चीज लेंगे, ये ग्राफ कॉपी को प्रेफर करोगे इसको बनाने के लिए, है ना, ऐसे शक्तिमान बनने से गलती हो जाएगी, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और माइनस फोर, इधर हमने ले लिया वन टू थ्री फोर, इक्वल डिस्टेंसेस होना है हमें वन टू थ्री फोर, ठीक है, अब x बराबर थ्री y बराबर जीरो, x बराबर थ्री यहाँ है y बराबर जीरो यहाँ है, तो यहाँ से जाएगा और यहाँ पे आएगा, तो कॉमन पॉइंट यही रहेगा हमारा, क्या बोले थे मैंने, x बराबर थ्री रहा और y बराबर जीरो रहा, तो x एक्सिस पे लाई करेगा, ये हमारा हो गया थ्री जीरो, अब हमारे पास टू माइनस वन, एक्स बराबर टू वाई बराबर माइनस वन, तो माइनस वन यहाँ पे लाई कर रहा है ना, माइनस वन माइनस टू, ये सब है माइनस वन माइनस टू नीचे की ओर, ये हमारा है, तो माइनस वन यहाँ पे रहा और टू यहाँ पे रहा, पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ये हमारा हो जाएगा टू माइनस वन, अब हमारे पास है फोर वन, एक्स का फोर वाई का वन, कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है, इस जगह पे एग्जैक्टली लाई करेगा फोर वन, ये हमारा हो गया फोर, अब देखो ये तीनों लाइन क्या करोगे, तीनों लाइन पे रखोगे आप स्केल और इसको ज्वाइन कर दोगे,
हमारे पास स्किल मैं फिलहाल ऐसे ज्वाइन कर दे रहा हूँ, इस तरह से जो आपका लाइन ज्वाइन होगा ये आपका लाइन पे लाइक करेगा, यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा आपको दिख रहा होगा लेकिन ऐसा आपका बनेगा नहीं, आप अगर ग्राफ को भी बनाते हो अच्छे से बनाओगे एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। ये चीज हमारा हो गया एक्स माइनस वाई बराबर थ्री का ग्राफ। आप इसके बारे में डिटेल आप जान सकते हैं, डिटेल वीडियो देखने के लिए चैप्टर थ्री में जाइए, उसके प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, और भी कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे उसमें आपको मिल जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्राफ बनाते हो, ये चैप्टर थ्री में पढ़ा हुआ चीज है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। ये फॉर्मूला कैसे बनाया गया है इस चीज के बारे में, ये ग्राफ हमने लिया है यहाँ पर, ये आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे से इसको हटा दिया है। फॉर्मूला कहाँ से आया कोई मतलब नहीं है, आप देखिए अलग ही बार बता देता हूँ। ये देखो ये हमारा कोई पॉइंट हो गया एक्स वन वाई वन, और ये हमारा हो गया एक्स टू वाई टू। डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, देखो ये एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है हमें, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, देखो ये चीज क्या है एक्स वन है ना, इधर से y1 आ रहा है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 है और y2 है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से हमने एक ट्रायंगल बना दिया, राइट ट्रायंगल बना दिया, यहाँ तक की डिस्टेंस थी x2 माइनस x1, और यहाँ तक की क्या थी x1 y, सॉरी x2 y2 था, यहाँ x1 y1 था पॉइंट। अब देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ x1 था और यहाँ x2 था, तो टोटल क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, और यहाँ पे क्या था यहाँ से ऊपर तक y2 था और यहाँ से यहाँ तक y1 था, तो यहाँ बचेगा कितना y2 माइनस y1, है ना। अब इसको क्या करेंगे, अब हम इसको लगा देंगे इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, इस चीज का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हाइपोटेनस का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ये चीज आपको समझ ना आया हो दोबारा बता देता हूँ, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 था और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 था, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा x2 में हम x1 को माइनस करो, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ ऊपर तक का डिस्टेंस y2 था और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस y1 था, तो यहाँ सिर्फ इतना डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे y2 माइनस y1 कर देंगे, ये चीज आ गया। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास PQ बराबर हो जाएगा रूट अंडर क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर ये हो गया वाई टू माइनस वाई वन, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला, यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। यहां से निकल के आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला, इस चीज को आप नोट कर लोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला है ना। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला आप ए बी लिख लो या पी क्यू लिख लो, ए बी लिख लेता मान लो, तो यहाँ पे मैं दूसरा लाइन ले लेता हूँ, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, इसका कोऑर्डिनेट हमारा x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट हमारा x2 y2, ठीक है। तो हमारे पास डिस्टेंस AB क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस AB हमारे पास हो जाएगा, मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ इसको मिटा करके, तो डिस्टेंस हमारा AB इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आपको लग रहा होगा यहाँ पे आपने पहले लिखा ये चीज बाद में लिखा ये चीज, कोई फर्क नहीं पड़ता, परपेंडिकुलर स्क्वायर कर दो प्लस बेस स्क्वायर कर दो, या फिर पहले बेस का स्क्वायर कर दो प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर कर दो, प्लस में कोई इशू नहीं है, माइनस होता तो दिक्कत होती। तो ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर। अगर आपसे गलती से अगर यहाँ पे एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर हो जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं। आप फॉर्मूला को x1 माइनस x2 का स्क्वायर लिख सकते हो प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, चलिए एग्जांपल्स, बहुत अच्छी एग्जांपल लेते हैं, अपने मन से एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू थ्री, है ना, तो मान लो ए मान लो एंड बी, हमने पॉइंट ले लिया, क्या ले लू 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 कुछ भी ले लो, पांच चार ले लेते, ठीक है। तो कोई पॉइंट रहा होगा ऐसे, ये हमारा रफ डायग्राम बनता है, इसमें आप एग्जैक्टली नहीं पता करना कोई लाइन एक्चुअली लाइक कहाँ कर रहा है, कोई मतलब नहीं। अब इसको आप रफ डायग्राम बनाओगे, एक लाइन बना लेना, तो नहीं बनाओगे कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हैं। सोल्यूशन तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, यहाँ बैठा देंगे एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। अब वैल्यू बताता हूँ, देखिए ये हमारा एक्स वन है, ये हमारा वाई वन है, ये हमारा एक्स टू है और ये हमारा वाई टू। तो एक्स टू हमारा दूसरे प्लेस पे कौन है, पांच है, तो पांच बैठा लो। एक्स वन यहाँ वाला है हमारा दो है, तो दो बैठा लो, तो पांच माइनस दो का स्क्वायर प्लस वाई टू हमारा चार है और वाई वन हमारा तीन है, तो चार माइनस तीन का स्क्वायर।
तो हमारे पास हो गया, यहाँ पे बचेगा 5 में 2 जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 4 में 3 जाएगा 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर 1, तो रूट अंडर 10 अंडर रूट हमारे पास आ गया 10। 10 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, अब एज इट इज ऐसे छोड़ोगे। यहाँ पे कोई सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर नहीं है, तो आप यूनिट लिख दोगे, सिर्फ यूनिट लिख दोगे। डिस्टेंस है तो कुछ तो यूनिट रहा होगा, मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर, अगर नहीं है तो हम सिर्फ यूनिट लिख देंगे और इसका आंसर कर देंगे। तो बस ये तरीका है आपको फाइंड करने का, इसी तरीके से आप डिस्टेंस फाइंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन। सेक्शन फॉर्मूला क्या है भाई? सेक्शन फॉर्मूला देखिए क्या है हमारे पास। सेक्शन फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से कि इफ द पॉइंट्स पी एक्स वाई डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एक्स वन वाई वन एंड बी एक्स टू वाई टू इंटरनली इन द रेशियो एम वन एम टू। मतलब इनका कहना है कि अगर आपके पास अच्छा खासा एक लाइन दिया हुआ है जिसका पॉइंट ए एक्स वन और वाई वन है और एक बी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स टू और वाई टू है, ये सबका इसी प्रकार से था, कोई नया चीज नहीं। और इसमें कोई एक थर्ड पॉइंट आ जाता है, कोई थर्ड पार्टी आकर के यहाँ पे एक कोई पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई, ठीक है, इसका एक्स वन वाई वन नहीं, एक्स वन वाई वन पहले था, एक्स टू वाई टू था, इसका हमने एक्स और वाई माना है। अगर ऐसा कोई थर्ड पार्टी आकर के इसको डिवाइड करता है और ऐसे डिवाइड करता है कि ये जो इधर वाला पार्ट है वो एम वन रेशियो, इधर वाला पार्ट जो है वो एम टू रेशियो, मतलब जैसे 1:2, 2:3, 3:4, 4:5 कुछ भी रेशियो होगा, तो इस तरह से डिवाइड किया, देन तब क्या होगा? तब हम पूछा जाता है कि आखिर ये कौन सा पॉइंट है, कौन सा कोऑर्डिनेट है जो आके इसको डिवाइड किया, तो उसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। इसमें दो कोऑर्डिनेट आए हुए हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई कोऑर्डिनेट, तो दोनों का हम निकालेंगे उसका वैल्यू। तो एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इसके लिए आप एक्स जब निकालना चाहोगे तो आपके पास आपको लगाना पड़ेगा, बहुत ही आसान है, एम वन पहला रेशियो को मल्टीप्लाई करोगे, है ना, एक्स निकालना चाह रहे हैं तो एक्स वाले टर्म्स, एक्स टू एम वन एक्स टू प्लस दूसरा रेशियो को एम टू को एक्स वन से, और नीचे आप दोनों रेशियो को जोड़ करके डिवाइड लगा दोगे, मतलब एम वन प्लस एम टू। वाई का कोई काम नहीं, एक्स निकालते समय वाई का कोई काम नहीं है, एक्स निकालने के लिए आपको करना है एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। और सेम इसी तरह से वाई निकालना है, अगर आपको वाई का कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करना है, वही रहेगा, सेम पैटर्न रहेगा, बस एक्स के जगह पे वाई आपको रिप्लेस करना, तो एम वन एक्स टू, है ना, एम वन एक्स टू, यहाँ सॉरी वाई टू, एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई एकदम दिक्कत ही नहीं है, दोनों रेशियो को नीचे जोड़ के डिवाइड लगा दो, पहला एम वन दूसरा एक्स टू, एक के साथ दूसरा दूसरा के साथ पहला, बस इतना याद रखना, m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2, y केस में m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2, सिंपल आई फॉर्मूला हो गया, क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। चलिए दिया गया है कि फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो, है ना, रेशियो रेशियो नहीं फाइंड करके, रेशियो फाइंड करने नहीं, पहले कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, find the coordinate of point P, है ना, जिसका हम एक्स वाई पहले मान लेते हैं, ठीक है, which divides line segment A, कोऑर्डिनेट ले लो कुछ भी, 2-3 एंड बी 4-5 इन रेशियो कितना, कुछ भी ले लो, 1:2 ले लिया, इस रेशियो में डिवाइड करता है। अगर आपके पास ये पॉइंट पी एक्स वाई ना दिया रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम मान लेंगे, अगर ये ना दिया रहे पी का पॉइंट का नाम तो हम मान लेंगे, लेट द पी एक्स वाई डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए एंड बी इन रेशियो 1:2, है ना, अगर ना दिया होता तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है, देखो ये एक्स वन है, अब लिख लो हियर x1 क्या है, 2 है। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि हम a b को, हम b a अगर लिखा रहे हैं तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास, अगर आप x1 इसको मान लो, अगर 4 को मान लो कोई आपत्ति नहीं है, x1 y1 अगर 4 5 को मानते हो और x2 y2 2 3 को मानते हो, या x1 y1 2 और 3 को मानते हो और क्या बोलते हैं x2 y2 अगर 4 और 5 को मानते हो, ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है, अगर चेंज हो जाए आपको तो आपको कैसे पता चलेगा किसको x1 और y1 मानेंगे किसको x2 y2 मानेंगे, आपके मन में ये विचार आ रहा हो तो आप पहले वाले को x1 y1 मानिए, दूसरे वाले को x2 y2 मानिए, और अगर आपको ना मानना हो ये रूल तो आप किसी को भी मान लीजिए, कोई दिक्कत, ठीक बन जाएगा क्वेश्चन, सेम आंसर आएगा, बना के देख लेना।
तो एक्स वन टू और वाई वन थ्री, ठीक है, एक्स टू फोर और वाई टू फाइव, ये चीज हमने मान लिया, ठीक है, ये चीज हमारे पास है, ये चीज मान लिया। एंड और भी है हमारे पास, और क्या है हमारे पास, तो एम वन रेशियो जो है उसको आप एम वन एम टू मानोगे, एम वन वन और एम टू है आपके पास टू, बस हो गया, आसान हो गया। अब क्या करना, अब आपको फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू। तो एक्स बराबर, एक्स इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला था एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, वैल्यू बैठाई सॉल्व करिए, हो गया। तो हमने बैठा दिया एम वन क्या है, टू है, वन है ना, एम वन वन हो गया, एक्स टू क्या है चार हो गया, प्लस एम टू क्या है दो हो गया, एक्स वन क्या है तो वन हो दो हो गया, डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू मतलब वन प्लस टू, चार गुना एक, चार गुना एक चार हो गया, दो दुनी चार हो गया, है ना, डिवाइडेड बाय थ्री, ये आ गया एट बाय थ्री, एट अपॉन थ्री, ये हो गया एक्स का वैल्यू। एंड वाई इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला है एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, बैठाइए। तो हमारे पास एम वन वन है, एम टू सॉरी एम वन वन है और वाई टू क्या है, वाई टू हमारे पास पाँच है, प्लस एम टू टू है और वाई वन क्या है थ्री है, तो मैं बैठा दिया डिवाइडेड बाय वन प्लस टू, पाँच पाँच कम पाँच तीन छः पाँच ग्यारह बटा तीन, इसको सॉल्व करने पर आएगा ग्यारह बटा तीन। देयर फोर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, देयर फोर है ना, देयर फोर कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी देखो अब यहाँ पे क्या है, अब ये चूंकि दो कोऑर्डिनेट रहता है हमारे पास, तो लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर क्या हो गया, एट बाई थ्री और इलेवन अपॉन थ्री, तो ये आपका हो गया आंसर, बस कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ये थ्री लिखा है मैंने, ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो क्लियर तो उसे थ्री मान लिया। आइए नेक्स्ट, आई होप ये चीज आपको समझ आ रहा हो, वीडियो को पॉज करके देखिए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, दोबारा देखिए, रीप्ले करके देखिए, स्लो मोशन कर दीजिए अगर फास्ट हो तो, और अगर फास्ट ना हो अगर स्लो हो तो फास्ट कर दीजिए, जैसा आपको करे ऐसा मन करके देखिए, लेकिन आप समझिए इस चीज को, ठीक है। आइए नेक्स्ट, हमारे पास रेशियो दिया था हम लोग पॉइंट का, कोऑर्डिनेट फाइंड की, अब हमारे पास कोऑर्डिनेट का पॉइंट दिया रहेगा, हम लोग रेशियो फाइंड करें, ठीक है, किस रेशियो में डिवाइड, सेम चीज है, ठीक है। तो रेशियो को फाइंड करने के लिए हमारे पास पॉइंट, ये की जो हम एक्स वाई फाइंड करते थे वो चीज आपके पास दिया रहेगा, और ये आपका दो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा ए और बी का, तो आपको कैसे फाइंड करना है, तो आप रेशियो को, हम लोग पहले रेशियो को मान लेंगे के इज टू वन, ठीक है, राइट साइड वन मान लेंगे और एक साइड के मान लेंगे, बाद में हम लोग रिलेट कर देंगे, आसान है, और इसको सब्सटीट्यूट करके फॉर्मूला में, सेम फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करके बना दीजिए, के का वैल्यू आ जाएगा, बैठा दीजिए रेशियो आ जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया फाइंड द रेशियो व्हेन पॉइंट 6 माइनस 4 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, ये दोनों लाइन को है ना, ये दोनों पॉइंट से बने हुए लाइन को डिवाइड कर रहा हो कोई पॉइंट, ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है जिसको हम पी मान लेते हैं, जो डिवाइड करता था उसको पी मानते थे, है ना, तो आपको रेशियो फाइंड करना है किस रेशियो में इसे डिवाइड कर रहा है, तो क्या करना है आपको, नेक्स्ट पेज बनाता हूँ, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या था कि एक लाइन सेगमेंट था जो ए और बी पॉइंट ज्वाइन कर रहे थे, ये दोनों मिल करके एक लाइन बनाए थे, इन्होंने बनाया था 3 माइनस आठ माइनस छ और 10, 3 माइनस आठ माइनस छ और 10, ये चीज था, देख लेते हैं एक बार, 3 माइनस एट माइनस छ और 10, ठीक है, और पॉइंट था 6 माइनस चार, यहाँ पे एक पॉइंट पी था जिसका कोऑर्डिनेट 6 और माइनस चार है, ये पॉइंट जो है ये इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, अब इसको डिवाइड कर रहा, अच्छी बात है डिवाइड कर रहा, बढ़िया बात, देखते हैं अब हमें फाइंड करना आखिर किस रेशियो में डिवाइड करेगा, है ना, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो हम मान लेंगे ये के इज टू वन के रेशियो में डिवाइड करेगा, के इज टू वन के रेशियो में डिवाइड करेगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट पी 6 माइनस 4 है ना, ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स ए बी, है ना, ये लाइन का नाम हो गया ए बी, इन रेशियो
इन रेशियो के इज टू वन, ठीक है, के इज टू वन। तो के इज टू वन में अगर डिवाइड करेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एम वन हो गया, ये हमारा एम टू हो गया, ये हमारा एम वन हो गया, ये एम टू हो गया। दिस इंप्लाइज एम वन इज टू एम टू, है ना, क्या हो गया, एम वन इज टू एम टू, के इज टू वन, है ना, एम वन हो गया के और एम टू हो गया वन। अब देखो ये सारे पॉइंट एक्स वन है, ये वाई वन है, ये एक्स टू है, ये वाई टू है, ये हमारा एक्स है और ये वाई, इस चीज को आप लिख लोगे, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे लिख लोगे आप, एक्स वन है, वाई वन है, एक्स टू है, वाई टू है, और ये नॉर्मली एक्स वाई, एक्स है और वाई, ठीक है। तो क्या है, एक्स वन हमारा 3 है, वाई वन हमारा -5 है, एक्स टू हमारा -6 है, वाई टू हमारा 10 है, एक्स हमारा 6 है और वाई हमारा -4 है, ठीक है। ये चीज आप लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ पे गिवन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लिख सकते हो, आप दे नहीं है कुछ। अब आप देखिए, देयरफॉर हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, हमें एफ के की वैल्यू फाइंड करनी है, किसी भी एक वैल्यू से आपका निकल जाएगा, या तो आप एक्स बराबर कर दो या वाई बराबर कर दो, दोनों को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, सेम रेशियो आएगा। तो एक्स बराबर कर देते हैं, क्या था, एक्स बराबर एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, वैल्यू बढ़ाइए, एक्स क्या है, एक्स 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 सिक्स, ये सिक्स हो गया, बराबर एम वन एक्स टू, एम वन क्या है, के है, एक्स टू क्या है, एक्स टू क्या है, एक्स टू क्या है, एक्स टू क्या है, -6, -6 हो गया। माइनस वाले टर्म को ना ब्रैकेट में लिखना सीखो, बहुत गड़बड़ करती है अगर ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो। एम टू, एम टू क्या है हमारे पास, एम टू वन है, एक्स वन क्या है हमारे पास, एक्स वन 3 है, और डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू मतलब के प्लस वन, सॉल्व करिए, इसको इधर लाओगे तो हो जाएगा 6k+1, k+1 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -6k, मल्टीप्लाई होगा तो -6 गुना k, और यहाँ हो गया 3, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे 6k हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, बराबर -6k हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। ये 6k इधर ले आओ, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा तो 12k हो जाएगा, और ये 6 उधर चला जाएगा तो 3 -6 -3, ये कैलकुलेशन आपको आता होगा, ठीक है। तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास के बराबर आएगा क्या आएगा भाई, के बराबर क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, तो के बराबर आ गया -3/12। अब देखो माइनस में नहीं आना चाहिए, अगर माइनस में आ रहा है इसका मतलब यह है कि पॉसिबल नहीं है ये, इसको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, ये पॉइंट हमारे जो पी लिया गया है ना वो गलत लिया गया, ठीक है, क्योंकि ये पी 6 -4 इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि 3 और -6 के बीच में 6 आ ही नहीं सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बस मेथड बता रहा था, ठीक है, यहाँ पे के बराबर क्या आ गया, इसको काट दिया जाए तो आपके पास आएगा 1/4, -1/4 क्या आ रहा है, -1/4, ठीक है, के बराबर क्या आ रहा है, -1/4, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको सिर्फ मेथड बता रहा हूँ, इसमें ये जो पॉइंट लिया गया वो गलत लिया गया, लेकिन आपका सेम प्रोसेस सेम चीज, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, आपको बस रेशियो कैसे फाइंड करना है वो चीज मैं बता रहा हूँ, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर के बराबर 1/4 आया, ठीक है, के क्या आया, 1/4 आया, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि पॉइंट -6/4 इज टेकन बाय मिस्टेक, क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, बाय मिस्टेक लिया गया है ना, तो आप ऐसा क्या है कि आपके पास माइनस में नहीं आएगा, ठीक है, नेगेटिव में कभी नहीं आएगा, मैं ध्यान से फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कि माइनस में आपके पास के का वैल्यू कभी नहीं आएगा, ये पॉइंट हमारा गलत लिया गया है, इसलिए आंसर माइनस में आ रहा है, ठीक है, आपका कभी भी माइनस में आंसर नहीं आएगा, हमेशा प्लस में आएगा। तो देखो यहाँ तक के का वैल्यू आने के बाद, के का वैल्यू आने के बाद क्या करोगे आप, क्या करना है आपको, नाउ के इज टू वन, ये है ना, के इज टू वन दिया था ना यहाँ पे, के इज टू वन क्या दिया था आपके पास, रेशियो दिया, तो हमारे पास के इतना आ गया, और यही नीचे हमारा क्या है, नीचे इसी के नीचे अगर देखोगे तो क्या है, के यहाँ पर है, के नीचे क्या है, वन है, ठीक है। देयरफॉर रेशियो हमारे पास क्या हो जाएगा, नाउ रिक्वायर्ड रेशियो जो होगा, रिक्वायर्ड रेशियो, ये रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हो जाएगा 1:4, है ना, ये माइनस नहीं आएगा आपका, माइनस मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमारे माइनस आना ही नहीं है क्वेश्चन में, ये पॉइंट गलत लिया गया इसलिए हमारा माइनस आया हुआ है, ठीक है, इस तरह से आपको बताएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है, सेम प्रोसेस सेम मेथड, पॉइंट आपका एकदम अच्छा दिया रहेगा क्वेश्चन में, ये हम ये टाइपिंग करने वाले ने माइनस कोई पॉइंट गलत लिखा गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं,
बस इसी तरह से आपका बनेगा, आपका नेगेटिव आएगा कभी नहीं आएगा रेशियो में नेगेटिव, ठीक है। अगर रेशियो में नेगेटिव आता है तो पॉइंट गलत लिया गया है। चलिए तो इस तरह से आप इस चीज को देखोगे। अभी इसका हम लोग क्वेश्चन वाले सीरीज लेकर के आएंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे साथ, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।